और बड़े पास से भर के बड़े प्यारे सवाल। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 0.8 एंड 4.2 इस। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द पॉइंट, तो कुछ यहाँ होंगे और 4.2। पहले तो इनका स्लोप निकाल लो, वही बात है y2 - y1, 2 - 8 - 6, 4 - 0 - 4, कट के -3/2। अब परपेंडिकुलर स्लोप ये -3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, उलट जाता है, साइन भी उलटती है। और बाइसेक्टर का लब है जो इसको दो पॉइंट में तस्लीम करे, यानी इनका मिड पॉइंट। 4 और 0 का सम 4, 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है। 8 और 2 का सम 10, 2 से डिवाइड करो तो 5 आता है, 2.5। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा स्लोप। फार्मूला लगेगा y - y1 = mx - x1। ठीक है जी, यहाँ देखो, विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर बिलो द लाइन 10x - 12y + 17 = 0। इसका तरीका है हम पॉइंट पुट करके देखेंगे जिसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही हो। अब देखो इसमें से y नेगेटिव है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, उस ऑप्शन का चांस ज़्यादा है जिसमें y की वैल्यू x से बड़ी हो। ठीक है, y की वैल्यू x से बड़ी हो। जैसे कि देखो यहाँ x 1 है, 10 1 ज़ा 10, 12 3 ज़ा 36। 10 - 36 कितना होता है भाई, -26 - 17 - 9, साफ दिख रहा है लेस देन 0। बहरहाल हो सकता है कि बाज़ वक़्त को बाय मिस्टेक एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होते हैं, वैसे होने नहीं चाहिए, ऐसे मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, लेकिन चेक करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो 1.3 है इस हिसाब से। ठीक है जी, एक बड़ी अहम चीज़ होती है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन जनरल फॉर्म। जैसे कि लेट टू लाइंस L1 एंड L2 हैव रिप्रेजेंट a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 है स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। एंगल थीटा जो है L2 वो कैसे निकलेगा, m2 - m1 1 + m1 m2। और एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि टेन इनवर्स a2b1 - a1b2 / a1a2 + b1b2। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ भाई, देखो जैसा कि ये एक सवाल भी आया इस पर, फाइंड द एंगल फ्रॉम 2kx - 2y + 1 = 0। तो a1 हो जाएगा हमारा 2k, ठीक है, यानी x का क्वेश्चन, b1 हो जाएगा -2, और k+1 ये हमारा a2, और k-1 b2। a1 b1 a2 b2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा θ = tan inverse 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, tan inverse 1 थीटा कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री होता है, आंसर हो जाएगा 45।